गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम जुनवानी की रहने वाली देवंती बाई कमार अपने दो बच्चों के साथ एक कमरे में पॉलिथीन से ढके झोपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है, क्योंकि महिला के पति का आज से 5 साल पहले बीमारी के चलते देहांत हो गया था। महिला के 2 छोटे बच्चे हैं जिनको किसी तरह रोजी मजदूरी कर पालन पोषण करती है वह, क्योंकि उनके पास ना ही अपनी जमीन है और ना ही जीने का कोई साधन है। बेबस महिला ऐसी हालत में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। महिला ऐसी जिंदगी गुजारने को मजबूर है क्योंकि उनको ना ही सरकार के बिजली योजना का लाभ मिला है और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। घर में बिजली नहीं होने के चलते रात के अंधेरे में दोनों बच्चों के साथ रात गुजारने को मजबूर होती है महिला। बारिश के दिनों में एक कमरे की झोपड़ी में रहना, खाना और गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महिला के पास पहले राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले सरपंच और गांव के कुछ जागरूक लोगों के सहयोग से महिला का कार्ड बनवाया गया। साथ ही पिछले कुछ महीने से विधवा पेंशन मिलना भी उन्हें शुरू हुई है। आपके घर है? के कमरा के है? एक कमरा। आप अभी तक आवास के लाभ मिल पाई? नहीं मिले। आपके बच्चा के जने? दो जन। पति के स्वर्गवास हो गए? के वर्ष हो गए? लगभग 5। और आपके पास जमीन वगैरह है? नहीं। तो का काम करके गुजारा करते हो अभी आप? अभी कमाई चलता जाता ना, अभी कई कुछ बात चल देता नहीं दी मौका के दुबारा। अच्छा, रोजी मजदूरी करते हो? हाँ। शासन से अभी तक कोई लाभ मिल पैसा अपना? नहीं। नाम का है आपके? देवंती। कौन गांव के रहने वाली हो? जुनवानी। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए हर संभव प्रयास करती है। प्रजा को अपने राजा से कई तरह की उम्मीद के साथ आस भी होती है। पीड़ित महिला को अपने राजा से उम्मीद है और आस भी है कि उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाएंगे। महिला की आवाज बनकर फास्ट इंडिया 24 न्यूज इस मामले को प्रकाश में लाया है ताकि पीड़िता को सरकार के बिजली योजना का लाभ मिल सके, ताकि उनके बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ने को मजबूर ना हो, साथ ही बारिश के दिनों होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। अब देखना यह होगा इस मामले पर आगे क्या होता है, या फिर पहले की ही तरह पीड़ित महिला को सरकार की बनाई हुई योजनाओं से वंचित रहना होगा। लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।